हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और ये शनिवार का ब्लॉग है। मैं यहाँ पे सेवैया भून रही हूँ और दूध भी गर्म होने के लिए बैठा दिया है। अमावस्या तिथि के दिन हमारे यहाँ बनाया जाता है, ब्राह्मण को कुछ दान भी देते हैं। सभी के अलग अलग नियम होते हैं। और सेवैया मेरी भून गई थी तो मैं अब इस दूध में मिला दूंगी। सेवैया बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाती है। और मैं जो सब्जी बनाऊंगी उसके लिए मैंने यहाँ पे टमाटर, मिर्च, अदरक काट लिया है। मैं बिना प्याज लहसुन के ही बनाऊंगी आज जो सब्जी बनाऊंगी। और मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी। और यहाँ पे मैं दो दाल है इसकी बनाऊंगी पूड़िया। ये चने की दाल है, इसे मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और इसके लिए मैं अदरक और मिर्च ले रही हूँ, इसमें भी मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ। आज जो भी बनाऊंगी मैं बिना प्याज लहसुन का ही बनाऊंगी। इसे मैं पीस लूंगी। और सेवैया जो मेरी बन रही है, थोड़ी बहुत कसर बाकी थी तो वो भी अब बन के तैयार हो जाएगी। इसमें सभी चीज़ों को डाल के मिला लेंगे। चीनी अभी मैंने नहीं डाला था, वो भी अभी डालूंगी। सेवैया थोड़ी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा दूध भी मिलाया है। आलू को पहले से उबाल के रख लिया है। ये आलू की सब्जी सभी कचौड़ियों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तेल गर्म होने पर मैं इसमें खड़े मसाले डालूंगी, इलायची, लौंग, तेजपत्ता, जीरा, दालचीनी, हींग भी मैंने थोड़ा इसमें डाला है। टोमेटो, अदरक, मिर्च का जो पेस्ट बनाया है उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला के ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें डाल देंगे। यहाँ पर सारे मसाले हम डाल लेंगे। मसालों में हम हल्दी, धनिया, जीरा, लाल मिर्च लेंगे और नमक भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार। मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाले अच्छे तरीके से भुने रहते हैं तो सब्जी का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। और जो मैंने आलू बॉयल करके रखा था उसे तोड़ के डाल देंगे, अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और उसके बाद उसमें पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये उबले हुए आलू हैं। सब्जी में थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पत्ता डाल के गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और यहाँ पे जो मैं आटा लगाऊंगी, जो दाल पीस के लिया था उसे लिया है, आटा लिया है, गेहूं का आटा लिया है मैंने। इसमें साबुत, जीरा, सौंफ, अजवाइन, नमक डालेंगे। इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। और इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच सूजी डाला है ताकि जो हमारी पूड़िया बहुत करारी करारी बनेगी। इसे अच्छे से मिला के आटे को गूंथ लेंगे और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट में रख देंगे ताकि पूड़िया जो बनती है फूली फूली अच्छी बनती है। Thank you.
आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं थाली लगा लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you.